हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भादो मास में आने वाली गोगा नवमी के बारे में। क्यों मनाते हैं गोगा नवमी और क्या है इस पर्व का महत्व, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। गोगा नवमी गोगा देव जी महाराज का जन्मोत्सव। गोगा नवमी के रूप में परंपरागत श्रद्धा भक्ति और उत्साह उमंग के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। गोगा जी को जाहरवीर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। गोगा नवमी का त्योहार कई राज्यों में मनाया जाता है। यह त्योहार पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में खासतौर पर मनाया जाता है, क्योंकि यह पर्व राजस्थान का लोक पर्व है। इसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि गोगा नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन गोगा देव श्री जाहरवीर का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोगा देव की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा देव की पूजा श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ हो जाती है तथा यह पूजा पाठ 9 दिनों तक चलती है, यानी नवमी तिथि तक गोगा देव का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे गोगा नवमी कहते हैं। गोगा देव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्रित गुग्गल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव जाहरवीर का जन्म हुआ। यह पर्व बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर बाबा जाहरवीर गोगा जी के भक्त अपने घरों में इष्ट देव की वेदी बनाकर अखंड ज्योति जागरण कराते हैं तथा गोगा देव जी की शौर्य गाथा एवं जन्म कथा सुनते हैं। इस प्रथा को जाहरवीर का ज्योत कथा जागरण कहा जाता है। कई स्थानों पर इस दिन मेले लगते हैं व शोभा यात्राएं निकाली जाती है। इस दिन भक्त अपने घरों में जाहरवीर पूजा और हवन करके उन्हें खीर तथा मालपुआ का भोग लगाते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर रोजमर्रा के कामों से निवृत्त होकर खाना आदि बना ले। भोग के लिए खीर, चूरमा, गुलगुले आदि बना ले। जब महिलाएं वीर गोगा जी की मिट्टी की बनाई मूर्ति लेकर आती है तब इनकी पूजा होती है। मूर्ति आने पर रोली, चावल से तिलक लगाकर बने हुए प्रसाद का भोग लगाएं। कई स्थानों पर तो गोगा देव की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है, जिसका पूजन किया जाता है। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती है वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा देव जी को चढ़ाई जाती है। इस दिन गोगा जी का प्रिय भजन गाया जाता है। इस तरह के कई भजन और गीत गाकर गोगा देव का गुणगान किया जाता है। इस प्रकार सभी लोग गोगा नवमी पर गोगा जी महाराज का पूजन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी गोगा नवमी की जानकारी। आगे भी आपको सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय मां काली, जय गोगा जी महाराज, हर हर महादेव।